गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बजा है सुबह का 6, मैं सोकर उठ गई हूँ। सोकर उठने के बाद मैं बालकनी में थोड़ी सी कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज हल्की फुल्की, क्योंकि बस यही टाइम होता है जब थोड़ा सा अपने आप को देख सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो पूरा दिन बहुत बिजी होने वाला है। पूरा दिन बच्चे के साथ और फैमिली को हो जाता है, तो बस यही टाइम होता है कि हमें अपने लिए थोड़ा सा, तो बस एक्सरसाइज थोड़ी सी करके मैंने कहा चलो वॉर्म वाटर पी लेती हूँ, लेक वॉर्म वाटर, तो बस वही पिया है मैंने, पानी पी लिया है और अब लग जाते हैं चलिए घर के कामों में। तो स्टार्टिंग होती है जैसे कि झाड़ू से सुबह में। देखिए बहुत दिन निकल आया है ना, 6 बजे भी, यार बहुत दिन हो जाता है। कभी कभी तो शर्म आती है मुझे कि मैं इतना लेट क्यों उठती हूँ, बट मुझे इससे जल्दी नहीं उठ मिलता है। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू लगा दिए। अब ये टेबल का मैस क्लीन कर रही हूँ, सोफ़ा और टेबल ये सब क्लीन कर रही हूँ, थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैं न्यूज़पेपर, देखिए रखा ही है सामने, सोच रही हूँ न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर सरसरी नज़र डालूँगी केवल, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं है। आज मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, बहुत दिनों से सोच रही थी कि आज मुझे ये करना है करना है करना है, बट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज फाइनली डिसाइड कर लिया है तो आज करना ही है। क्या करना है देखिए, क्या बताती हूँ आगे। और पेपर पढ़ लिया है, वैसे मैं रोज़ पेपर नहीं पढ़ पाती हूँ, जिस दिन मेरे सामने आ जाता है ऊपर होता है उस दिन मैं पढ़ लेती हूँ, और जिस दिन नीचे पड़ा होता है या पापा ने नीचे पढ़ के रखा होता है तो फिर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ उस दिन। आ गए हैं किचन में जैसा कि ब्रेकफास्ट की तैयारी करने, तो किचन में बना रहे हैं, सब्जी छील रही हूँ मैं, बनाऊँगी मिक्स वेज और पराठा। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, सभी लोग मिक्स वेज विद पराठा। उसके बाद आज मुझे ना बहुत ज़रूरी काम करना है, बताऊँ क्या करना है? जी हाँ बताती हूँ, मुझे आज लगानी है मेहंदी। बहुत दिनों से मैं सिर पर मेहंदी लगाने को सोच रही थी हिना, बट नहीं लगा पा रही थी, लेकिन आज फाइनली मैंने लगानी है। तो ये यहाँ पर मेरी सब्जी भी छौंकी जा रही है, सब्जी बन जाएगी, आटा लगा के रख दूँगी, उसके बाद लगाऊँगी मेहंदी, और फिर जब खाना और बाकी सारा काम करूँगी घर का, तब तक हो जाएगी मेरी मेहंदी बिल्कुल, मतलब टाइम हो जाएगा 2-2.5 घंटे, से ज़्यादा मैं लगाती भी नहीं हूँ। फिर मैं लूँगी नहा, वैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी नहा लेती हूँ, बट आज लगानी है मेहंदी तो आज मैं नहीं नहाई हूँ, आज मैं नहाऊँगी बाद में सारा काम करने के बाद। वैसे मेरे पास ब्रश भी है मेहंदी लगाने का, लेकिन वही बात है ना, अपने आप ब्रश से लगाओ बहुत देर लगती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और अपने हाथ जगन्नाथ, हाथों से बहुत जल्दी लग जाती है, जल्दी जल्दी से लट एक एक करके उठाते जाएंगे और हाथों से लगा लगा के जूड़ा बनाती जाऊंगी, जूड़ा तो बन जाएगा और जल्दी भी लग जाएगी, इसलिए मैं लगाती हूँ हाथों से मेहंदी। देखिए ऐसे ही तो ये देखिए लग गई है मेहंदी, कितना बिल्कुल क्लीन सा जूड़ा बना है ना। हाँ, तो हाथ, बस इसमें ये एक प्रॉब्लम होती है, हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं, 2 दिन तक हाथ ऐसे ही रहते हैं बहुत गंदे गंदे से। तो मेहंदी लग गई है, मैं आ गई हूँ, मम्मा बाबू देखिए मस्ती कर रहे हैं, मस्ती का कोई भी मौका मम्मा बाबू नहीं छोड़ते हैं साथ में। हाँ जी, तो देखिए अब मैंने नहा लिया है और मैंने मेहंदी का सिर भी धुल लिया, मतलब केवल पानी से किया धुला है, शैम्पू नहीं किया, इसीलिए थोड़े खड़े खड़े से लग रहे हैं बाल। तो मेहंदी का कलर आया पता नहीं, आया नहीं आया। तो आज मैं बहुत देर हो गई थी क्योंकि मैंने बताया ही था आप लोगों को, आप लोगों ने तो देखा ही है कि मेहंदी के चक्कर में आज मुझे बहुत देर हो गई है, 11 बज गया है और 11 बजे अब मैं फ्री हुई हूँ, नहा धोकर आई हूँ। अभी तक मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया है, खाना नहीं खाया, और देखिए मेरे कितना बड़ा पिंपल निकला है, बहुत बड़ा दाना निकल आया है मेरे। इस समय मैं बालकनी में खड़ी हुई हूँ, तो 11 बज गया है फाइनली और अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो फ्री हो गई हूँ, अब मैं चलती हूँ खाना खा लूँ थोड़ा सा, खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी सी यूट्यूब के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत सा काम पेंडिंग हो गया है, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है करने के लिए, तो देखती हूँ वो काम करती हूँ मैं। चलिए तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। और देखिए
नहाने धोने के सब काम होने के बाद भी मुझको खाना खाने के बाद करना पड़ रहा है सफाई का काम। कौन करता है? मैं करती हूँ। आप समझ सकते हो ना इससे कि मैं कितनी बिजी लेडी हूँ। तो हाँ, वैसे मतलब वैसा डस्टिंग का जो काम होता है वो तो मैं नहाने से पहले कर देती हूँ, लेकिन इस काम के लिए कोई टाइम नहीं होता है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है वैसे वैसे मैं करती जाती हूँ। ड्रेसिंग टेबल पे थोड़ी सी डस्ट भी हो रही थी और सामान भी सब इधर उधर हो गया था, और इसके नीचे ड्रॉर भी सब सामान इधर उधर हो गया है, तो मुझे सब सेट करके रखना है। तो फिर अभी मैं फ्री थी, शिवांश खेल रहा है, आज शिवांश स्कूल नहीं गया है। तो अभी शिवांश खेल रहा है, उसको भी नहला धुला के खाना खिला दिया था मैंने, तो अभी वो खेल रहा है, तब तक मैं कर ले रही हूँ। फ्री बैठी थी तो ये काम कर लेती हूँ तब तक मैं, तो ये क्लीनिंग भी हो जाएगी मेरी, उसके बाद शिवांश के साथ खेलूँगी। शिवांश को दूँगी थोड़ा सा टाइम, तो टाइम भी पूरा मैनेज करना पड़ता है किस टाइम क्या करना है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है बच्चे के चक्कर में। और जब वो स्कूल जाता है तो थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है, वो एक घंटे का गैप होता है जो 11 से 12, क्योंकि 11 बजे तो मैं होती हूँ फ्री काम करके, तो बस 11 से 12 का टाइम मुझे मिल जाता है जब शिवांश नहीं होता है तो, और शिवांश होता है तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मिरर पे ना शिवांश ने मिरर पे कलर से और नेल पेंट से लिपस्टिक से इतना सारा गंदी कर दी थी, तो वो मैं क्लीन कर रही हूँ। किससे क्लीन कर रही हूँ? मैं नेल रिमूवर से। नेल रिमूवर से अच्छे से क्लीन हो जाता है, वो छूट ही नहीं रहा था, मैंने पानी से बहुत छुटाया बट वो छूट ही नहीं रहा था, तो फिर मैं रिमूवर से क्लीन कर रही हूँ उसको। पुलिस की गाड़ी आ रही है, जाओ। अब नहीं ले जाएंगे रेड लाइट में, उठा के दे दो हमारी गाड़ी। अभी दूर ही है। हाँ, रेड लाइट में लो। हाँ, ग्रीन हो गई, तैयार है, आ रहा है स्कूटर। वो खेल लेते हैं, पढ़ा लेते हैं। और अब मैं पढ़ा रही हूँ शिवांश को स्टोरी। स्टोरी बुक है शिवांश की, स्टोरी पढ़ रहा है शिवांश। स्टोरी बहुत मन से सुनता है शिवांश, चाहे बुक से पढ़ाओ या ऐसे ही सुनाओ, स्टोरी बहुत मन से सुनता है। तो खेल लेते हैं, कभी पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे। स्टॉप, कोई गाड़ी नहीं आ सकती, स्टॉप। और कब टाइम तो बहुत हो रहा है, लेकिन मेरे ना कपड़े रह गए थे सब काम करने के चक्कर में आज, और बारिश आ गई थी तो बारिश के चक्कर में मैंने कपड़े छोड़ दिए थे, दिखाती हूँ आपको। अभी तो रुक गई है, एकदम से बारिश आ जाती है, एकदम से धूप निकल आती है, अभी तो आंखें भी नहीं खुली हैं, तो बारिश की वजह से मैंने कपड़े धुलने को रह गए थे, डालने के नहीं आई थी, तो वही कपड़े अब मैं धुल रही हूँ। टाइम बहुत हो गया, जल्दी से कपड़े धुल लूं, फिर शिवांश के सोने का टाइम होने जा रहा है, तो फिर शिवांश को सुलाऊंगी और मैं भी सो जाऊंगी उसके साथ में। तो मैं धुल रही हूँ कपड़े, अब मेरा सारा काम हो गया है, शिवांश को हो गया है सुलाने का टाइम। तो सुलाने से पहले मैं शिवांश को कुछ खिला दूं, तो मैंने बनाया है शिवांश के लिए हलवा। शिवांश को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो शिवांश का बीच बीच में वो खा लेता है, अगर कभी भी रोटी नहीं खाने का मन होता है कुछ भी तो मैं वही बना देती हूँ, तो वो अच्छे से खा लेता है उसको। तो बस शिवांश को हलवा खिला के ले जा रही हूँ सुलाने, फिर सुला देती हूँ शिवांश को, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। हु आर यू? I am police. Oh, I see. You are police. Where is your gun? Gun nahi hai, leke aao jao. Who are you? I am nun. Who are you? I am police. And where is your gun? There. This is your gun? Huh. Okay. What's your name, please? What's your name? Shivansh police. This Shivansh.
पुलिस दिस शिवांश? ओ आई सी, वेयर आर यू गोइंग? टीवी नहीं डाले हैं। कहीं नहीं जा रहे हो? कपड़े उतारने चलती हैं ऊपर। देखना शाम हो गई और अभी तक धूप ऐसे पड़ रही है, पता नहीं क्या है। इस साल गर्मियां नहीं जाएंगी हमारे यहाँ से, सर गर्मी रहेंगी। बताओ सितंबर चल रहा है और गर्मी का ठिकाना नहीं है। देखिए मतलब शिवांश जब सो के उठा था तो शिवांश फिर कैप और अपना गॉगल वगैरह लगा के निकल गए हैं घूमने अपने चाचा के साथ। पता नहीं बाबा के साथ गया या चाचा के साथ गया, आई डोंट नो। तो शिवांश घूमने चला गया है, मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े उतारने। और छत पर वैसे मौसम तो अभी लग रहा है चेंज चेंज सा, अच्छा सा हो रहा है। देखिए आप फ्लैग देख सकते हो उड़ रहा है ना, खूब अच्छी हवा चल रही है। लग रहा है अभी थोड़ी सी धूप है लेकिन लग रहा है मौसम चेंज होने वाला है। तो अगर मौसम चेंज हुआ तो बाद में आऊँगी मैं छत पर घूमने के लिए। अभी चलते हैं नीचे। और नीचे आ गए हैं, ये देखिए शिवांश आ गए हैं घूमकर। और घूमकर आ गए हैं, शिवांश को पीना है जूस। ओके चलिए शिवांश को पिलाते हैं जूस। मौसमी का जूस पीता है शिवांश, किसी फल का नहीं पीता है। या तो मैंगो शेक पी लेगा, मौसमी का जूस पी लेता है, अनार वगैरह का नहीं पीता है। तो बस शिवांश को पीना था जूस, शिवांश को पिला रहे हैं जूस। मौसमी का जूस निकाल रहे हैं मम्मा बाबू मिलकर। चलो मिलके बनाएं हम ये शेक, डाली थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा सा प्यार। आई डोंट नो इसके आगे क्या होता है यार। शॉप 18 से, हाँ बहुत आवाज है। वाह क्या बात है, अभी निकालना निकालना। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। अभी शिवांश जब घूमने गया था बाहर तो शिवांश के चाचा बता रहे तब इसने बाहर मांगा होगा जूस, तो फिर इसके चाचा ने बोल दिया कि घर पे पियेंगे। इसलिए आते ही शिवांश ने, मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, कपड़े फोल्ड नहीं हो पाए और उसने आते ही जूस 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 बोलना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कहा चलो पहले जूस बनाते हैं उसके बाद कर लेंगे कपड़े फोल्ड। तो शिवांश को पिला दिया है जूस बना के, जरा सा ही पीता है शिवांश, आधा गिलास से भी कम पी पाता है, इतना ही पीता है। तो बस शिवांश ने पी लिया है जूस। अब मैं ये जूस बनाओ, फिर उसके बाद ये काम बहुत बढ़ जाता है। तब इसको धुल के रख रही हूँ, जूसर वगैरह को क्लीन करके रख दिया है मैंने सूखने के लिए। तब तक मैं कर रही हूँ क्लॉथ्स फोल्ड कर ले रही हूँ मैं, जो छत से उतार कर लाई थी और भी पड़े थे थोड़े से, तो सब फोल्ड करके रख दे रही हूँ इनको। और ये देखिए शिवांश देख रहे हैं अभी टीवी, टीवी टाइम चल रहा है शिवांश का। शिवांश देख रहे हैं कार्टून, कौन सा, मासा एंड द वियर देख रहे हैं निक जूनियर पर। पानी पी लो। और ये है रागी, मैंने मंगाया था इनसे रागी का आटा, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही मंगाया है रागी का आटा। आप लोग, मैं इसको बना के देखती हूँ कि बच्चे इसको कितना खाते हैं, शिवांश कितना पसंद करता है। अगर शिवांश पसंद करता है तो फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी, देखिएगा आप। रागी का आटा बहुत ही रिच प्रोटीन फूड है बच्चों के लिए। शाम का टाइम है बिल्कुल ही, तो आ गए हैं हम छत पर, मौसम हो गया है अच्छा अच्छा सा। और मैं उड़ा रही हूँ पतंग, मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती बट मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तब भी देखिए काफ़ी मतलब उड़ा पा रही हूँ फर्स्ट टाइम के हिसाब से। मुझे लगा था बिल्कुल ही नहीं उड़ेगी लेकिन आज हवा भी साथ दे रही है तो आज अच्छी उड़ा ली मैंने पतंग। तो शाम हो गई है और आज हम लोगों ने मतलब मैंने शिवांश को पतंग उड़ाना सिखाया, और मुझे भी पतंग उड़ानी आती नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने भी ट्राई की थी, थोड़ी थोड़ी कोशिश सफल हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत मन करता था पतंग उड़ाने का बट कभी भी हुआ ही नहीं पतंग उड़ाने का, या फिर ये कह सकते हैं कभी भी टाइम नहीं मिला पतंग उड़ाने का।
तो लेकिन आज उड़ाई थोड़ा सा अच्छा लगा शिवांश को। शिवांश का बहुत मन करता है, शिवांश यहाँ पर बहुत लोग उड़ाते हैं पतंग, तो शिवांश का बहुत मन करता है पतंग उड़ाने का, तो शिवांश को सिखाने के चक्कर में आज मैंने और उड़ाई पतंग। तो शाम हो गई है, देखिए सूर्यास्त हो रहे हैं, हो रहे नहीं है, हो गए हैं, और अब चलते हैं नीचे क्योंकि डिनर की तैयारी करनी है अब। तो मौसम गर्मी बहुत हो रही है लेकिन शाम हो गई है तो थोड़े बादल हो गए हैं, शाम को मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए तो मौसम चेंज हो रहा है। तो मौसम चेंज हो रहा है शाम हो रही है, तो इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थम्स अप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।